नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 4 अगस्त से खेला जाना है। सीरीज शुरू होने से पहले भारत को डरहम में इंग्लैंड की काउंटी सिलेक्ट 11 के खिलाफ एक 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलना पड़ रहा है। इस मैच में रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई है। वहीं लंबे समय के बाद केएल राहुल मैदान में सफ़ेद जर्सी में नजर आए हैं। लेकिन इस मैच में एक दिलचस्प बात देखने को मिली और वो ये है कि इस मैच में भारत के 11 नहीं बल्कि 13 खिलाड़ी देखने को मिले। जी हाँ, बाकी 2 अन्य खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर और आवेश खान हैं, जो भारत के लिए नहीं बल्कि काउंटी 11 के लिए खेलते नजर आए। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि काउंटी सिलेक्ट 11 टीम के 2 सदस्य जेम्स ब्रेसी और जैक चैपल ने मैच से पहले अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि जेम्स ब्रेसी एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की वजह से सख्त क्वारंटाइन में है। तो वहीं जैक चैपल मैच के एक दिन पहले ही चोटिल हो गए, जिसके चलते काउंटी टीम ने भारत के 2 खिलाड़ी अपनी टीम में खिलाने के लिए मांग की। जवाब में भारतीय टीम ने वॉशिंगटन सुंदर और आवेश खान को काउंटी सिलेक्ट की टीम से खेलने की इजाज़त दी। लेकिन युवा गेंदबाज को काउंटी टीम को देना भारत के लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि खेल के पहले ही दिन जब आवेश गेंदबाजी के लिए आए तो हनुमा विहारी के स्ट्रेट ड्राइव को रोकते समय अपने अंगूठे में चोट खा बैठे और वापस पवेलियन लौट गए। चोट गंभीर बताई जा रही है और शायद आवेश के लिए ये दौरा यहीं समाप्त हो सकता है। वहीं अगर बात करें वॉशिंगटन सुंदर की तो उनके लिए दिन कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि वो मात्र 1 रन बनाकर सिराज का शिकार हो गए। हालांकि सुंदर को गेंदबाजी के लिए नहीं बुलाया गया था, पर बल्लेबाजी के लिए उन्हें नंबर 4 के स्थान पर भेजा गया था। बता दें कि इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 311 रन बनाए, जिसमें राहुल ने सर्वाधिक 101 रनों का योगदान दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक काउंटी 11 ने 9 विकेट के नुकसान पर 220 रन बना लिए हैं। खेल से जुड़ी और खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वन इंडिया स्पोर्ट्स पर।